आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी कस्बे में स्थित परशुराम महादेव की तपोस्थली में प्राचीन झाडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रविवार को आचार्य ब्राह्मण समाज विकास समिति की ओर से पौधारोपण कर 21 पौधे को पोषित करने का संकल्प लिया। इस दौरान अलखवेद गुरुकुल संस्थान के संस्थापक डॉक्टर पंडित हितेश शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान शिव को प्रिय बिल्व पत्र के 2 पौधों का पौधारोपण कर हरियाली अमावस्या मनाई। पौधारोपण के बाद आचार्य ब्राह्मण विकास समिति के सचिव पंडित शंभूलाल आचार्य ने बताया कि शिव पुराण एवं प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान शिव को 1 बिल्व पत्र रोज चढ़ाने से मनुष्य संसार सागर में गोते नहीं खाता और संसार में मनुष्य पुण्यात्मा रूप में सुविख्यात होता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में बिल्व पत्र के 1 पौधे को पोषित करता तो उसे अनंत पुण्य मिलता है। यदि मनुष्य भगवान शिव शंकर के तीर्थ स्थलों पर श्रावण महाविशेष होने पर अमावस्या के दिन बिल्व पत्र का पौधा जो मनुष्य लगाता है तो उनके ग्रह शांति के साथ ही उनके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसी मान्यता के चलते शिवालयों पर 10 वर्षों से लगातार बिल्व पत्र पौधे लगाते चले आ रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य दौलत कुमार पोखरना, सुरेश जैन, पंडित अनिल शर्मा, समाज सेवी नंदलाल लक्षकार, रतन लाल हीर, पुष्पा देवी आचार्य, संजय आचार्य, योगेश आचार्य सहित कई शिव भक्त व संस्था के सदस्य उपस्थित थे। खबर आपकी राजस्थान से, रतन लाल कीर की रिपोर्ट।